हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बच्चे चैनल डी प्लैनेट रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है विशाल। मैं हूं चेताली। गाइस, प्रेम की 3 ऑफिशियल ट्रेलर, और यार इसकी काफी रिक्वेस्ट आ रही थी। बिल्कुल। और ये एक नेपाली मूवी का ट्रेलर है हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप देखेंगे। और यार हमने पहले भी कहा है, हम सारे वीडियोस करते हैं, हमारे लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, कोई कंट्री नहीं है। बिल्कुल, है ना। हम सारे करते जो हमें अच्छा लगता है और हमें जिसकी ज्यादा रिक्वेस्ट आती है, हम सारे वीडियोस करते हैं, पहले करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट नेपाली मूवी का ट्रेलर होने वाला है। यार मैं काफी एक्साइटेड हूँ। और ये प्रेम गीत 3 नाम है, मतलब ये तीसरा पार्ट है। ओके। तो पहले 2 तगड़े होने वाले, पहले 2 जो है वो तो ऑलरेडी तगड़े होंगे ही, तभी ये तीसरा निकाला है। यस। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये क्या ट्रेलर होने वाला है, कैसा है, क्योंकि हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है। तो हम फर्स्ट टाइम अभी देख रहे हैं। थोड़े से क्रेडिट्स पढ़ लेते हैं क्या क्या है। स्टार कास्ट है प्रदीप खड़का एंड क्रिस्टीना गुरंग, डायरेक्टेड बाय चेतन गुरंग एंड संतोष सेन, प्रोड्यूस बाय सुभाष काले है एक्चुअली मराठी, अच्छा पता नहीं, प्रशांत कुमार गुप्ता, सुषमा शिरोमणि, बरोबर ना? हाँ, सुषमा शिरोमणि, मुरली तिवारी, डॉक्टर योगेश लखानी एंड संतोष सेन। ओके। राइटर है चेतन गुरंग एंड मनदीप गौतम, एडिटर है संजय सांकला, लिरिक्स है कुमार रूबी फुलोरा एंड सुभाष काले, म्यूजिक है पवनदीप राजन एंड कल्याण सिंह। अच्छा, पवनदीप वो अपने होते नहीं सिंगर, ऐसा लगता है, पता नहीं है। लेकिन आपको इसके बारे में कुछ जानकारी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, है ना। सिंगर है जुबिन नौटियाल एंड राहत फतेह अली खान। वाओ, बहुत बड़ी क्रेडिट लिस्ट है। तो मुझे ना पहले ट्रेलर देखना है, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल, पहले हम ट्रेलर देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो एंड जाते जाते वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और हम सारे वीडियोस करते हैं, हर टाइप के ट्रेलर करते हैं, हर टाइप के सॉन्ग्स करते हैं, है ना। एक काम करते हैं, पहले ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो काउंटडाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हर एक युग की अपनी एक कहानी होती है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। अमन, आत्मविश्वासी, बलवान, मानो उसके लिए कुछ भी असंभव ना हो। और प्रेम, शासन और शोषण की भूमि पर माँ के गर्भ से राजा, केवल 7 गांव ही नहीं बल्कि 7 समुंदर पार तक वो अपनी वीरता से लोगों को प्रभावित करेगा। मुझे दरगाह को काफी ऊंचाई पर ले जाना है। जीतने वालों का एक दिन हार इंतजार करती है। मगर एक अड़चन है। मैंने बचपन में ही तुम्हारा नाम अपने दिल पे लिख दिया था। मुझे दरगाह की रानी नहीं बल्कि तुम इस गांव का बेटा बनकर रहने का वचन दो। ये अड़चन वो अपने नाम के साथ ही लेकर आया है। प्रेम। प्रेम। ओके। कभी ऐसा वक्त आएगा जब आपके पुत्र को एक ही रास्ता चुनना होगा, एक राजयोग, दूसरा प्रेम योग। ओके। याद रहे, मुझे प्रेम के भाग्य में राजयोग ही चाहिए। यहाँ रहा तो सिर्फ एक पल के लिए मरूंगा, पर तुमसे दूर रहा तो पल पल के लिए मरूंगा। गीत बेटी हमारे गांव की एकमात्र खुशी है। प्रेम गीत 3, 23 सितंबर। ये और आने वाला हर युग तुम्हारा और मेरा युग होगा, प्रेम और गीत का युग। ओके। तो यहाँ पे ट्रेलर खत्म। यार खतरनाक ट्रेलर था यार, आउटस्टैंडिंग था, है ना, जबरदस्त दिखाया। मींस यार एक्टिंग भी बहुत तगड़ी की है दोनों ने यार। उस मतलब हीरो का नाम रहता है प्रेम और लड़की का नाम रहता है गीत, प्रेम गीत। अच्छा। और यार वो जो रहते हैं हीरो जो दिखाया गया है, काफी जबरदस्त एक्टिंग की उन्होंने। और वो एक रहते हैं मेन मसीहा, सब लोगों के जैसे दिखाया गया है कि उनका जो एक एम्पायर होता है या जो भी कुछ होता है तो उसको बचाने के लिए वो उनके लोगों के लिए करते हैं। और उनको दोनों में से किसी एक को ही चुनना होता है, ऐसा दिखाया गया है। एक तो मतलब हीरोइन को, मतलब गीत को, या फिर ऐसा ही सब ट्रेलर में दिखाया है।
लेकिन यार एक चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई कि तगड़ा दिखाया पूरा, मतलब क्या क्वालिटी थी ट्रेलर की, और दोनों ने एक्टिंग जबरदस्त की यार। फर्स्ट टाइम इन दोनों को अभी देखा है, लेकिन अभी यार ये तीसरा मतलब पार्ट है तो जबरदस्त होने वाला है। और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी हमें, तो हम आगे भी यार अच्छी अच्छी वीडियोस करेंगे जैसे आपकी रिक्वेस्ट आती है तो। बट अगर पर्टिकुलर इस वीडियो की बात करें, इस ट्रेलर की बात करें, ये जबरदस्त था बिल्कुल। मतलब लव स्टोरी भी है उसमें और हिमालय में पूरी शूटिंग है यार, पूरा बर्फ में शूटिंग की है, तो जबरदस्त है यार, तगड़ा। तो ये काफी मुश्किल होता है इतना पूरा विंटर में पूरा बर्फ में इतनी शूटिंग करना, ये सारी चीजें, लेकिन उनको बहुत ज्यादा मेहनत होती है। और ये एक पीरियड टाइप मूवी दिख रही है मुझे, थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल दिखाया ना थोड़ा सा, तो उस हिसाब से बिल्कुल। तो उनके कॉस्ट्यूम्स वगैरह काफी तगड़े थे, एडिटिंग काफी नेक्स्ट लेवल थी। और यार म्यूजिक मतलब हमारे पवनदीप राजन वही है आई थिंक, अभी मैं मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर अपने ही पवनदीप राजन है तो कमेंट में बिल्कुल हमें बताएं। और जुबिन ने गाया है सॉन्ग, और राहत फतेह अली खान जी ने भी। वाओ यार हमें तो ये ट्रेलर काफी ज्यादा अच्छा लगा, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक भी कर दो, गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।